बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सबको मालूम है, अशरा ज़िलहज ख़त्म होने को है। अशरा की इतनी फजीलत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला जितने लोग इस अशरा के एक दिन, जिसे अरफा का दिन कहते हैं, उसमें जहन्नुम से आज़ाद करते हैं, उतने आदमी पूरे साल में आज़ाद नहीं करते। ये सिर्फ अरफा के दिन की फजीलत है। बाकी के दिनों की फजीलत साथ शामिल कर लें तो सोचें कितनी फजीलत हो जाएगी। अब जबकि ये दिन ख़त्म होने को हैं, तो इनके ख़त्म होने से पहले पहले ये एक तस्बीह पढ़ लें। वैसे तो कसरत से पढ़ें, लेकिन अगर ज़्यादा ना पढ़ सकें तो कम से कम एक तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह ताला का इसका इतना आपको अजर देंगे कि आपकी सोच भी नहीं हो। तस्बीह ये है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें से सुबहान अल्लाह अकेला 100 बार पढ़ने का अजर 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है, और ये हदीस के अल्फाज हैं। फिर एक और हदीस में बयान होता है कि 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का अजर मैदाने कारजार में 100 घोड़े पेश करने के बराबर है। 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ने का अजर लद साजो सामान से लदे हुए 100 ऊँट अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब के बराबर है। और सबसे आखिर में है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना अजर है कि अगर एक शख्स सदके दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार पढ़ ले तो ज़मीन से लेके खला तक सारी खला जो है वो नेकियों से भर दी जाती है। आप सोचें कितने आसान अल्फाज हैं और इनका अजर कितना ज़्यादा है। कितना बड़ा पैकेज अल्लाह ताला ने दिया है। हमें दुनिया में कहीं डिस्काउंट मिले, पैकेज मिले, सेल मिले, हम कैसे भाग भाग कर जाते हैं, और ये इतने आसान अल्फाज, इतना सस्ता पैकेज अल्लाह ने हमें दिया है। इसको समझें, इसको हासिल करें। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कमियों को ताहियों को नज़रअंदाज करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।